Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. मेरी आवाज़ को वो अचानक क्या हो गया. खैर मैं अभी उठी हूँ और आज है संडे और आज मैं कर रही हूँ अपना बेबी शावर. मतलब घर पे एक छोटा मोटा सा शूट कर रही हूँ. सोचा तो था बाहर जाके शूट करूँगी, ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, लेकिन फ़िलहाल डॉक्टर ने मुझे इतना जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ अलाउ नहीं की हुई, तो मैंने सोचा कि घर पर कर लेती हूँ. मेरे लिए बहुत खास है और मुझे हमेशा याद भी रहेगा और मैं इसीलिए कर रही हूँ कि मेरे पास एक अच्छी सी मेमोरी रहेगी और जब मेरा बेबी इस दुनिया में आ जाएगा तो मैं इसे दिखाऊंगी कि आपके आने से पहले हम कितने ज़्यादा एक्साइटेड थे, कितना कुछ हम लोगों ने किया. बस इसको मैं मेमोरी बनाना चाह रही हूँ. तो सबसे पहले मैं नाश्ता करती हूँ, फिर हम तैयारी करेंगे. और आज रात में ना एक दावत भी है घर पर, तो थोड़े बहुत कुछ गेस्ट आ रहे हैं उसकी भी तैयारी करनी है. बाकी किसी को मैंने इन्वाइट नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस घर में एक छोटा मोटा सा अपना शूट करके और अपने आप को मतलब खुश करना चाह रही हूँ बस. तो इस ब्लॉग को जो है वो देखते रहे, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा. बहुत दिनों बाद मेरे सब्सक्राइबर्स जो है वो पराठा देख रहे होंगे, क्योंकि पराठे के बिना तो सुबह सुबह जो है ना वो नाश्ता ही अधूरा लगता है. अब और सर्दियों में जो मज़ा पराठा खाने का है ना वो कहीं भी नहीं है. तो जल्दी से हम लोग पहले अपना नाश्ते को करते हैं वाइंड अप. अच्छा रात को जो है वो दावत है. यहाँ पे अम्मी ने ना कस्टर्ड बना के और ठंडा करने के लिए रखा हुआ है. ठीक है अभी भी धुएं निकल रहे हैं, ठीक है ना. और मैं यहाँ पे चला दूँ फिल्टर, ये चल रहा था पहले, मैंने बंद किया क्योंकि आवाज़ नहीं सही आ रही थी. अच्छा फिर उसके बाद ये ऑलमोस्ट दोपहर का टाइम है और हमारा था कि हम लोग शूट करेंगे शाम में, क्योंकि वसीम भी उस वक्त फ्री होंगे और गेस्ट को फिर आने में थोड़ी सी देर थी. तो उसके बाद जो है ना वो कुछ चीज़ें भी नहीं आई हुई थी. जो हमारा केक था वो भी रेडी नहीं था. केक रेडी हो रहा था 8 बजे तक और इसकी वजह से शूट में जो है ना वो हमें था कि चलो 5 बजे तक आ जाएगा तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन नहीं आ पाया. और वहाँ पे मैंने जो हूप स्टैंड दराज से मंगवाया था उसको मैंने यहाँ पे सेट करके रख लिया था. और मैंने कहा चलो मैं बलून वगैरह फुला रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी तो केक ही 8 बजे मिलेगा तो फ़ायदा ही नहीं है, और शूट शाम का प्लान था. लेकिन चलें जो होता है अच्छे के लिए होता है. फिर यहाँ पे मैंने कहा चलो जो काम जितना वाइंड अप हो आराम आराम से उतना कर लो. और यहाँ पे मैं बैलून फुला रही थी और साथ में जो है वो बच्चे भी बैलून फुला रहे थे. मैंने कहा चलो जिससे जितना काम हो रहा है वो करते जाओ. और इतने सारे बैलून निकाल लिए थे लेकिन इतने बैलून्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी. और यहाँ पर फिर ये OBB वाले फॉइल वाले थे. डेकोरेशन में आगे आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके से कर रही हूँ मैं. और बहुत सारे ब्लूपर्स जो है ना वो हो जाते हैं जब घर में कोई इवेंट हो. तो यहाँ पे सब ने मिल के जितने बलून हम लोग फुला सकते थे या जितने बलून्स की हम लोगों को ज़रूरत थी वो हम लोगों ने देखे सामने फुला के रख ली. अब इसको जो है ना मैं हुप में ये रिंग में जो है वो लगाऊंगी. फिर उसके बाद खाने का तो सारा अम्मी ही देख रही थी. अम्मी कह रही थी कि तुम बस रेस्ट करो और मैं कर लूँगी. और अम्मी ने तकरीबन सारा काम ही कर लिया था. अम्मी ने फ्रूट्स वगैरह भी सारे कट कर लिए थे फ्रूट क्रीम के लिए. तो मैंने कहा कि चलें मैं जो है वो ऐसा करती हूँ कि बस मिक्स वगैरह कर देती हूँ, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्रीम मंगवाई थी और साथ में ही जो है ना वो कॉकटेल भी मंगवा लिया था. तो सिंपल सी रेसिपी है, इसको मैं क्या ही रिकॉर्ड करती हूँ. और मैंने कुछ ऐसा स्पेशल बनाया भी नहीं है जो मैं बताती, और बस इसमें मैंने मेयोनीज़ डाली और साथ में मैंने ब्लैक पाउडर डाला और उसके साथ जो है वो मैं इसमें क्रीम मिक्स कर दूंगी और हमारी मज़ेदार सी फ्रूट क्रीम तैयार हो जाएगी. अच्छा मुझे फ्रूट क्रीम का मज़ा ही नहीं आता जब तक मैं इसमें फ्रूट कॉकटेल जो है ना वो नहीं डालूं. आप लोग अक्सर पूछ रहे होते हैं कि ये कहाँ से मिलेगा, तो ये आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएगा. इस तरह के टीन में आता है, पानी इसका निकाल लें और इसके अंदर जो भी फ्रूट होता है और जो भी जेलीज होती हैं बड़ी मज़े की होती हैं, आपकी फ्रूट क्रीम में जो है ना वो और भी मज़ेदार सा जो है ना वो डेवलप हो जाता है जायका. पता नहीं मैं क्या ही कहने लगी थी अभी, अक्सर मैं बात भूल जाती हूँ मुझे क्या कहना था. टेस्ट बहुत अच्छे से डेवलप हो जाता है. तो यहाँ पे बस मैंने और तो मैंने कोई काम नहीं किया, बाकी सारा काम मम्मी ने जो है वो देख लिया था. और यहाँ पे जी ये हो गया था हमारा रेडी फ्रूट क्रीम. उसके बाद फिर मैं सो गई थी और अभी आप लोग देखेंगे मेरी हालत बड़ी ही कोई ख़राब लग रही है, तो मैं इसको जल्दी से पहले थोड़ी सुधारती हूँ. अच्छा जी नेल पेंट मैंने लगा ली है, ब्लू और पिंक पिंक करने की थोड़ी सी मैंने कोशिश की है. और बस थोड़ा सा मैंने कहा कि चलो टच दे ही लूँ. और मैं आपको अपना आउटफिट दिखाने लगी. ये आउटफिट है जो मैंने निकाला है आज के लिए, ठीक है ना, ये पहनूंगी और बाकी फिर आगे आप लोग ब्लॉग में देखते रहिएगा. एथनिक का है इस तरीके से है. अच्छा कामों से मैं अभी अभी फ्री हुई हूँ और वसीम के लिए निकालना है सूट, क्योंकि वसीम के दोस्त की है शादी. तो ये बोस की वाला पहनेंगे, हल्का हल्का इसको आयरन करवाना है. और मैंने दूसरी शर्ट निकाली थी शूट के लिए, लेकिन अब इतना टाइम नहीं होगा तो उनको वहाँ भी जाना है, तो ये वाला ड्रेस वो कह रहे हैं प्रेस कर देना. तो देखते हैं फिर.
बस शाम का शूट था जिसकी वजह से हम लोग बस कह रहे थे कि शाम में हो जाएगा, लेकिन वो केक को डिले था तो फिर वो शूट जो है ना वो रात में चला गया। शाम में ये था कि बाहर रोशनी भी होनी थी, लाइट भी होनी थी और वसीम भी अवेलेबल थे, तो सारी चीज़ें शाम की प्लान थी, लेकिन बस जो होता है फिर वो अच्छे के लिए ही होता है। और यहाँ पर फिर मेरा भाई आया, उसने ये जो है ना वो सारे बलून वगैरह सेट कर दिए थे, और बस मुझे हो रहा था कि अच्छा पहले मिल जाता केक तो जो है ना वो सीम के साथ एक प्रॉपर शूट हो जाता हम लोगों का, लेकिन बस वही के पॉसिबल नहीं था। और फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, मूड ऑफ़ नहीं करते इस साल, मतलब तो बिल्कुल भी ऑफ़ नहीं करते, जो होता है बेहतरी के लिए होता है। जो आपको पिंक कलर की यहाँ पे फॉइल नज़र आ रही होगी, फॉइल कह दिया, ये चमक वाली पट्टी, तो ये मैंने दोनों पिंक मंगवाई थी, लेकिन वो फिर उन लोगों ने दो गोल्डन भेज दी। और यहाँ पे बैलून सेट हो गए थे, मेरा भाई रखने जा रहा था बाहर, मैंने कोई इतनी डेकोरेशन में भी वो नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है, तो ये सब मेरी फैमिली ने मिलजुल के अरेंज किया था। अच्छा जी, रेडी मैं यहाँ पे हो गई हूँ, और रेडी होके मैं अनरेडी भी होने लगी हूँ, क्योंकि जो है रेडी होके मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं, बस जल्दी जल्दी में हम लोगों ने बस केक कट किया, क्योंकि वसीम की एक बहुत इंपॉर्टेंट दावत थी और जो हमारे गेस्ट आए थे उन्हें भी जाना था, तो बस जल्दी जल्दी में हम लोगों ने केक कट किया और छोटी मोटी सेलिब्रेशन की। और अभी बस जो है वो खाना वगैरह लग रहा है, खाना वगैरह लगवाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, और बस ये छोटा मोटा सा शूट करना था, छोटी मोटी सेलिब्रेशन करनी थी ताकि मुझे याद रहे। बाय द वे, ड्रेस आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी बर्थडे पे मैंने मुझे गिफ्ट मिला था, एथेनिक का है, और मैं आपको फुल लुक भी दिखाती हूँ, आप लोग बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। और अभी यहाँ पे देखें 10 बजने लगे हैं, तो बस खाना वाना खा के मेहमान भी निकलेंगे और फिर मैं भी रेस्ट करती हूँ, और आप लोग भी इस व्लॉग में देखते रहें, बाकी आगे आप लोग सेलिब्रेशन देखें। जी मैंने पहना है ये वाला आउटफिट, इस तरीके से है, ये एथनिक से लिया था मैंने, और ये है मेरी फुल लुक जो आप आगे व्लॉग में भी देख लेंगे। बाकी मैंने सोचा थोड़ा सा मैं लाइव व्लॉग करके आप लोगों को अपडेट दे दूं, तो ये है हमारी फुल लुक। ये है जी हमारा शूट का सेटअप जो हम लोगों ने घर पे ही किया है, और केक भी हमारा आ गया था, ये था हमारा केक। और यहाँ पे वसीम भी रेडी हो गए थे, और वसीम कहते कि इस वाली बेबी का सर जो है वो सही नहीं है, मैं सही करके लगा देता हूँ, तो बस माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो गया था। और ये छोटी छोटी सी खुशियाँ हैं जो मुझे हमेशा याद रहेंगी कि हम लोगों ने इस तरीके से सेलिब्रेट किया था जब मैं मामी बनने वाली थी, और ये डेकोरेशन थी जो थोड़ी बहुत हम लोगों ने घर पे की। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कह देना है, आगे बस हम दोनों की केक कटिंग होगी तो वो इंजॉय करिएगा। अच्छा, वसीम का भी ड्रेस निकाला हुआ था मैंने, लेकिन जो है ना वो बस यही कि लेट हो रहा था, और लेट होने की वजह से फिर हम लोगों ने कहा कि चलो ठीक है जो भी पहना हुआ है उसी में हम लोग जो है वो शूट कर लेते हैं, वरना हम लोगों ने पूरा डिसाइड वगैरह किया हुआ था। लेकिन अभी भी यहाँ पे देखें कि कितना जल्दी जल्दी में हम लोग जो है ना वो सब चीज़ें कर रहे हैं कि ऐसे कर लें, वैसे कर लें, ये कर लें, वो कर लें, तो जब घर में शूट होते हैं और जब आप खुद सब मैनेज कर रहे होते हैं ना तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में माशाल्लाह और बहुत सारी दुआएँ। अच्छा जी, इवेंट हो गया है, छोटा मोटा जो शूट करना था हो गया है, अभी बाहर खाना लगा हुआ है तो जल्दी से जाते हैं, चेंज वेंज मैंने कर लिया है, खाना खाते हैं और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, टाटा। अच्छा जी, तो फिर गेस्ट ने जाना था, खाना लग गया था, खाने में कढ़ाई थी और साथ रायता था, और साथ में हम लोगों ने बनाए थे पुलाव, और साथ में थे मज़ेदार से सीख कबाब, और बड़े ही मज़ेदार से यमी से बने थे, और सब लोग बस यहाँ पे खाना एंजॉय कर रहे थे। खाने की मैंने प्रॉपर ऐसे अच्छी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि टाइम ही बहुत शॉर्ट था, और जल्दी जल्दी में यू नो ना के नहीं हो पाता। और मीठे में हम लोगों ने बनाया था फ्रूट कस्टर्ड, और साथ में हम लोगों ने फ्रूट क्रीम बना ली थी। खाना सबको बहुत पसंद आया था, सब ने बहुत इंजॉय किया, इवेंट भी हमारा जो है वो अच्छे से हो गया था। और बस अभी थोड़ी देर बैठेंगे, गेस्ट से जो है वो बातें शातें करेंगे थोड़ी देर। अच्छा जी, डैट्स इट फॉर द व्लॉग, आई होप आपको व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। व्लॉग पसंद है तो मेक श्योर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह कह दीजिएगा। बहुत छोटा सा इवेंट था, बस मुझे अपना शूट करना था और एक दावत भी हो गई, घर पर गेस्ट आए हुए थे, तो इतना व्लॉग मैंने किया नहीं, यू नो कि बस बिज़ी बिज़ी, और अभी बस
हम लोग फ्री हुए थे, अभी रेस्ट वगैरह करने लगी हूँ। अब टाइम आप लोग देख लें, 12:30 होने वाले हैं और मेकअप मैंने भी रिमूव करना है। ये मेरा वैसे आज का लुक था, ठीक है। तो इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई वैसे मैं, लेकिन बाद में रिकॉर्ड कर दूँगी। और बस अभी ब्लॉग को एंड करती हूँ। वसीम की दावत थी, उनके जो है वो बेस्ट फ्रेंड की शादी थी, तो वहाँ जाना था और मुझे शूट भी करना था। तो बस वसीम ने टाइम निकाला, वो आए, हम लोगों ने थोड़ी बहुत पिक्चर ली और फिर वो चले गए थे। और फिर अभी गेस्ट वगैरह भी जा चुके हैं। इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। बहुत से दुआ करिएगा और अपना बहुत से ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।